तो भाई आज हम फिर से लेके आए डिजायर की एक नई वीडियो साथ में अपने अतुल भाई। अतुल भाई क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भैया। क्या कुछ लेके अपनी ऑडियंस के लिए? डिजायर टूर, ठीक है, मॉडिफिकेशन बेस्ट टू टॉप। तो भाई बेस टू टॉप कन्वर्जन इसके अंदर आपको दिखाने वाले हैं। पूरा बेस वेरिएंट यहाँ पर आया, मतलब ब्लैंक कुछ नहीं आता इस गाड़ी के अंदर, कुछ नहीं आता, ए टू जेड चीजें इसके अंदर कुछ नहीं आता, सब कुछ हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है गाड़ी। फ्रंट में क्या कुछ चेंजेस कर रहे हैं? फ्रंट में इसके अंदर भी हम लोग फॉग लाइट लगा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मिंडा का रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर हैलोजन लग के आता है, एलईडी का, जिस भाई को एलईडी लगवाना है एलईडी भी अपडेट हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। बाकी रिले कपड़े टू कपड़े प्रॉपर काम हो रहा है, पूरी वायरिंग इसके अंदर अपग्रेड करी जा रही है, कंपनी की वारंटी 1% वॉइड ना हो उसके लिए यहाँ पर ये चीजें इंस्टॉल करी जाती है। प्लस यहाँ पर आपको आरडी का ये टीटी डोटो वाला हॉर्न मिलने आना, आरडी की सेंट्रल लॉकिंग अपग्रेड कर रहे हैं, आरडी के सेंट्रल लॉकिंग अपडेट कर रहे हैं, जिसकी वारंटी 3 साल की होती है, ठीक है। और आपके घर के आसपास के सर्विस सेंटर में आप इसकी होम सर्विस उसमें आपको मिले, अच्छी खासी क्वालिटी में डील किया जा रहा है। साइड में कोई चेंजेस है भाई इसके अंदर? इसके अंदर साइड में हम व्हील कैप इंस्टॉल कर देंगे अभी, ठीक है, लगने वाला है। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे हैंडल क्रोम लगाएंगे। ओके, फुल ब्लैक आया कंपनी से, इसके अंदर हम हैंडल क्रोम लगाएंगे, इसको थोड़ा चमकीली रूप में दे देंगे, ठीक है। इंटीरियर में बात करें, सबसे भाई मेन चीज क्या अपग्रेड कर रहे हैं भैया? मेन चीज सबसे पहले जो हम शुरू से अब तक करते आए हैं, पावर विंडो टॉप मॉडल वाली, तो भाई इसके अंदर अपग्रेड करें, टॉप एंड वेरिएंट वाली अपनी पावर विंडो वर्किंग आपको मिलने वाली है। फ्रंट में आपको सारे कंट्रोल्स मिल चुके हैं, बैक का कंट्रोल करना है एक बार, तो भाई बैक का भी दिखाया था, बैक में भी आपको इजी टू कंट्रोल मिलने वाला है, मतलब जेन्युइन वर्किंग इसके अंदर पूरी अपग्रेड करी गई है, पूरी जेन्युइन वायरिंग इसके अंदर अपग्रेड करी गई, वारंटी 1% आपकी वॉइड नहीं होगी, पूरी हार्नेस मिलने वाली है जो जेन्युइन अपग्रेड करी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बना बना के डाल दियो अपने यहाँ वाला, कोई चक्कर ही नहीं है, बनाएंगे भी नहीं, तो कपलर जो है ना, ये कपलर हम खुद से नहीं बना सकते, ठीक है, ये कंपनी से ही पूरी वायरिंग बन के आती है, वो हम इसके अंदर इंस्टॉल, और जितनी भी कैची जो भी चीजें सारी जेन्युइन है, सारी जेन्युइन रहने वाली, कुछ इसके अंदर लोकल काम नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग के यहाँ पर ये मशीन अपग्रेड करी गई, क्योंकि सेंटर लॉकिंग इसके अंदर नहीं आती, बिल्कुल यही से आपका प्रॉपर वर्किंग होगा। तो देखो लॉक एंड अनलॉक फीचर भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है, में नहीं आती है। हाँ, ये आफ्टर मार्केट अपग्रेड कराओ, डब्बी लग जाती है, जेन्युइन के अंदर आपको ये कुछ लुक मिल जाएगी देखने। स्पीकर्स की बात करें, स्पीकर्स इसके अंदर नहीं आते, बिल्कुल स्पीकर इसके अंदर नहीं आते, जिसके अंदर हमने वाटरप्रूफ रिंग लगा दिया है, अंदर भी प्रॉपर कपलर टू कपलर कंपनी के वायरिंग के अंदर अपने अपने कपलर लगा करके, ठीक है, प्लग एंड प्ले यहाँ पर, ठीक है, प्लग एंड प्ले यहाँ पर करा गया, वारंटी 1% वॉइड नहीं होगी। प्लस स्पीकर्स की बात करें, JBL इसके अंदर अपग्रेड करने वाले, तो अच्छा खासा साउंड आउटपुट आपको मिलने वाला है देखने के लिए। फ्लोरिंग की बात कर ले भाई, क्या कुछ बेनिफिट रहते हैं फ्लोरिंग के अंदर भी? जैसे कि हर बार बताता हूँ, वाटर प्रूफिंग के लिए, और जो बच्चे बच्चे होते हैं गाड़ी के अंदर या कोई भी बंदा बैठता है ना ट्रैवल के लिए, तो कुछ गंदगी रहता है, तो गीला कपड़ा मारो साफ, गाड़ी अंदर से पूरी क्लीन हो जाएगी, मतलब कंपनी गाड़ी को सेफ करने के लिए ऊपर लेमिनेशन टाइप फ्लोरिंग कर दी गई है, इजी टू क्लीन रहने वाली है। स्टीयरिंग में कोई चेंजेस है भाई? नहीं भाई, स्टीयरिंग में चेंजेस नहीं है, स्टीयरिंग का चेंजेस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसी गाड़ी का, ठीक है। टॉप एंड वेरिएंट वाला स्टीयरिंग आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल डमी रहता है, ये वाला पार्ट सिल्वर मिल जाता है, और कॉलिंग बटन का ऑप्शन उसके अंदर आपको एड ऑन मिल जाता है, और कंपनी से एक अच्छी खासी लुक टॉप एंड वेरिएंट पूरा इंटीरियर में कन्वर्ट करवा सकते हो। मीटर चाहिए भाई? मीटर मिल जाता है, अवेलेबल है भाई, जितना दिल गड़े गाड़ी लिया जितनी चाहिए उतनी लग जाएगी, ठीक है। एंड्रॉइड में बात कर ले भाई, इसके अंदर एंड्रॉइड नहीं आता, क्या कुछ चेंजेस कर रहे हैं? बेस के अंदर जो आया था कंपनी वाली आती है, बेस मॉडल वाली, इसके अंदर हमने एंड्रॉइड लगा दिया है, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल किक्सोनिक वाली, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये कुछ लुक मिल जाती है, 9 इंच के अंदर अपग्रेड करा गया है। सीट कवर में बात कर ले तो भाई आपको ये कुछ डिजाइन मिल रहा है देखने के लिए, कौन सी कुछ क्वालिटी में रहने वाला भाई ये अपनी जो क्वालिटी रहने वाला सीट कवर के अंदर, इम्पोर्टेंट शाखा जैसे हर वीडियो में डालते हैं, इम्पोर्टेंट शाखा और बकर सीट कवर के अंदर कितने कुछ टाइम की वारंटी मिल जाएगी भाई इसकी? 4 इयर्स की भैया, ठीक है। बताओ यहाँ पर ये कुछ लुक के अंदर अपग्रेड कर सकते हो, अभी तक बेस वेरिएंट थी पूरी यहाँ पर, उधर अपने स्पीकर्स अपग्रेड कर दिए, पुराने वाले डोर पैनल्स इसके ऊपर रखे हुए हैं, पूरा जेन्युइन रिप्लेसमेंट सीन के अंदर इसके कन्वर्ट करने वाले हैं। भाई यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाया था अतुल भाई, क्या डिफरेंस मिलने वाला है इसके अंदर? ये बेस मॉडल का हमारे पास कंपनी से ये लग के आया था, ठीक है, जिसके अंदर अपना घुमाने वाला सिस्टम मिलता था, इसको अपग्रेड करने वाले हैं टॉप एंड वेरिएंट के साथ, जिसके अंदर आपको यहाँ पर भी स्विच जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाए थे स्टार्टिंग के अंदर, वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। पूरा डोर पैनल रिप्लेसमेंट सीन के अंदर मिलता है, जो बेस वेरिएंट के अंदर आता है ये कुछ आता है, और इसके अंदर यहाँ पर कोई कपड़ा वपड़ा नहीं मिलता, जिसके अंदर आपको मिलने वाला देखने के लिए। तो बिफोर एंड लुक आपके सामने रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अपना इंटीरियर कराने का ऑप्शन मिल जाता है, एम्बियंस जो एम्बियंस भी लग जाती है भाई इसके अंदर। तो भाई फाइनली यहाँ पर अपनी डिजायर हो चुकी कंप्लीट, साथ में अतुल भाई कंप्लीट भाई सारा काम, सारा ए टू जेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको हर एक चीज बताया था क्या क्या हमने गाड़ी के अंदर किया है, ठीक है, और क्या क्या हमने गाड़ी के अंदर कंपनी से लग के आया था और क्या क्या किया है इसके अंदर, तो क्या कुछ चेंजेस करे भाई इसके अंदर। फ्रंट की बात करता हूँ, फ्रंट में हमने लगा दिया मिंडा का फॉग लाइट विद रिले के साथ प्रॉपर कपलर टू कपलर, ठीक है। और साइड की से बात करें भी हमने लगा दिया है मिरर क्रोम, देख सकते हैं प्रॉपर वारंटी वाली रहने वाली है, साल भर के अंदर कोई भी दिक्कत आता है काउंटर रिप्लेसमेंट, और क्रोम भी लोकल क्रोम नहीं है, जितना मर्जी हाथ लगा रहो हाथ नहीं कर सकता इसके ऊपर, ऐसी क्रोम है, अच्छी क्वालिटी में इंस्टॉल करा गया ना, ठीक है। उसका साइड की बिल्डिंग हमने लगा दिया है प्रॉपर डिजायर की, डिजायर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फॉर डिजायर लिखा हुआ, प्लस आईपॉप गार्ड लगाए गए हैं, और हैंडल क्रोम अपग्रेड करा गया है,
ठीक है। प्लस एक आपको बैक एंड में लुक दिखाता हूँ, बैक एंड में क्या कुछ चेंजेस है भाई इसके अंदर। सबसे पहले चीज हमारी कैमरा लग चुका है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ डिजायर की बम्पर गार्ड लग चुका है, ठीक है। बम्पर गार्ड इंस्टॉल है, डिजायर की ब्रांडिंग मिल जाएगी साथ में आपको देखने के लिए। प्लस इसमें बूट अनलॉक का भी सिस्टम करा है, बिल्कुल। तो भाई देखो बूट अपनी खुल चुकी है, तो जेन्युइन वर्किंग है भाई, बिल्कुल जेन्युइन वर्किंग है। देखो ना भैया, सेंटर लॉक भी हमने गाड़ी के अंदर लगाया है विद फ्लिप की वाली, ठीक है। गाड़ी को हमने कर दिया लॉक, अब यहाँ से नहीं उठेगा भैया, नहीं खुलेगी। और जैसे गाड़ी को कर दिया हमने अनलॉक, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको दिखाया था, तो ये कुछ बटन इसके अंदर अपग्रेड करा गया बैक एंड में देखने के लिए। पूरी इसके अंदर जो मोटर वोटर जो भी आती है सब कुछ, ये पूरा लॉक वॉक भी पूरा इसके अंदर जेन्युइन अपग्रेड करा भाई, जेन्युइन अपग्रेड किया, ठीक है। जेन्युइन वर्किंग इसके अंदर पूरी अपग्रेड करी गई है। इसके ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग मिल जाएगा विद पार्ट नंबर के साथ, ठीक है। तो ये कुछ लुक मिल जाती है आपको बूट ओपनर के अंदर, ये वर्किंग थी बैक एंड में। बाकी इंटीरियर में बात कर ले, इंटीरियर में दिखाते क्या कुछ चेंजेस है भाई, अनलॉक करना एक बार। तो भाई इंटीरियर में, ठीक है, अनलॉक करना सबसे मेन चीज जो अपग्रेड करी गई है डोर पैनल। बिफोर एंड आफ्टर लुक मैंने आपको दिखा दी थी, यहाँ पर भाई क्या कुछ चेंजेस रहने वाले इसके अंदर। इसके अंदर हमने भैया डोर ट्रिम पूरी चेंज कर दिया, इसके अंदर टॉप मॉडल वाली, इसकी बेस मॉडल वाली भी है, यहाँ पीछे पड़ा हुआ है, ये पड़े हैं जो रिटर्न कर दिया कस्टमर है, किसी यूज के नहीं रहने वाले। ये अपना जो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आप देख सकते हो, प्रॉपर अपना पावर विंडो लॉकिंग आ जाता है, ठीक है। सेंट्रल लॉक की आ जाती है, अंदर ही अंदर लॉक कर सकते हैं। बाकी पावर विंडो भी पूरा फंक्शनल मिल जाता है इसके अंदर भाई। इसकी वर्किंग दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये वर्किंग मिलने वाली है स्मूथ आपको, ठीक है भाई। उधर कंट्रोल करना है एक बार, आगे कंट्रोल भी आपको मिलने वाले हैं। सेम बैक एंड कंट्रोल करना भाई, तो बैक एंड का भी कंट्रोल आपको मिलने वाला है फ्रंट से। ये कुछ जेन्युइन वर्किंग इसके अंदर अपग्रेड कर गया, मतलब आफ्टर मार्केट में वो डिब्बी लगते हैं थोड़े अजीब लगते हैं मेरे हिसाब से। आफ्टर मार्केट वाले में इतना दूर डिब्बी लग जाते हैं, लेकिन वो पैनल एकदम गद्दा लगता है। कुछ समय एक साल की उसकी वारंटी होती है, लेकिन आउटसाइड लगता है वो, मतलब जेन्युइन चीज जेन्युइन है, वो रिकमेंड करी जाती है यहाँ पर। बाकी अगर बैक एंड की लुक दिखाया था आपको, ऑटो वर्किंग इसमें मिलने वाली है आपको, जैसे सेम अपनी कंपनी से आती है ना, सेम वही फिनिशिंग के अंदर यहाँ पर अपग्रेड करा गया है। यहाँ पर लॉक एंड अनलॉक फीचर भी मिलने वाला है। तो बैक एंड के लुक दिखाया था, बैक एंड में क्या कुछ चेंजेस है, इसमें भी डोर पैनल पूरा अपग्रेड करा गया देखने के लिए, टॉप मॉडल वाली रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर स्विच मिल चुका है कंट्रोल करने के लिए भाई। फ्रंट से अगर लॉक करना मिरर एक बार, तो उसकी लुक भी दिखाया था, तो मैंने लॉक कर दिया और यहाँ पर ये लॉक आपको मिल चुका है जेन्युइन। अनलॉक करना भाई, तो अनलॉक करने पे आपके मिरर्स प्रॉपर वापस वर्किंग मिलने वाले हैं। कार में एंटर करने पे आपको मिलने वाली फ्लोरिंग का प्रोसेस पूरा इसके अंदर कंप्लीट करा, जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर आपको लुक दिखाई थी। ये अपने कंपनी वाले कारपेट को सेव करने के लिए यहाँ पर रहता है, जैसे यहाँ पर डस्ट आ चुका है, इसके ऊपर सिंपली एक कपड़ा मारना है और आपका क्लीन कारपेट रह जाएगा। कितने से एक बेसिक स्टार्टिंग मिल जाएगी इसकी? 1300 रुपए से बेसिक स्टार्टिंग मिल जाती है, बेटर क्वालिटी में लोगे कम से कम, तो बाकी ऐसे मिलने के लिए 1200-1000 दुनिया लगा रही है, लेकिन वो काम हम कर नहीं सकते, ठीक है। सीट का लुक दिखाता हूँ, ये कुछ डिजाइन आपको मिलने वाला देखने के लिए, इसके अपग्रेड करा गया है। रहने वाला भैया 4 साल की वारंटी के साथ, अब प्रॉपर बकर सीट को फिनिशिंग देख सकते हो, डायमंड कट के अंदर सिल्वर स्टिचिंग, गाड़ी व्हाइट है ना, ठीक है। तो अच्छा खासा डिजाइन प्लस कंफर्ट इसमें अच्छा खासा मिल रहा है। बकेट फिटिंग का प्रोसीजर है, एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और यहाँ पर देखो, इधर भी डोर पैनल आपको मिल चुका है देखने के लिए, जो इसके अंदर अपग्रेड करा गया। वर्किंग फिर से दिखाता हूँ, स्मूथ वर्किंग इसमें मिलने वाली है भाई। लॉक करना फिर से एक बार वहाँ से, तो भाई देखो लॉक करने पर आपके मिरर्स यहाँ पर रुक गए, अनलॉक करना। देखो वर्किंग आपको एक्यूरेट मिलने वाली है, हर चीज जो उसी कंपनी से आती है, मतलब सेम वही फिनिशिंग के अंदर कन्वर्ट करा गया, बिल्कुल भैया सेम फिनिशिंग के अंदर कन्वर्ट किया गया है। जो बंदा बच्चे वगैरह पीछे छेड़ते हैं या कस्टमर कोई छेड़ता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। बाकी स्टीयरिंग में इसमें कोई चेंजेस नहीं है? नहीं भैया, स्टीयरिंग में चेंजेस नहीं है, नेक्स्ट टाइम चेंजेस होगी इसके अंदर भी, बहुत जल्द होगी ये भी चेंज। टॉप एंड वेरिएंट वाला स्टीयरिंग चाहिए मिल जाता है अपने पास, पूरा हब भी लगता है उसके अंदर जो अपग्रेड करा जाता है। बाकी एंड्रॉइड में बात करें भाई, एंड्रॉइड में क्या कुछ चेंजेस है इसके अंदर? इसके अंदर भी हमने एंड्रॉइड में जो चेंजेस किया है, क्विकसोनिक का लगाया है, 2GB RAM 32GB इंटरनल वाला लगाया है, प्रॉपर वर्किंग वाला। तो ये कुछ फ्रंट इंटरफेस आपको मिल जाता है, स्मूथ लेवल वर्किंग मिलने वाली है इसके अंदर आपको। यूट्यूब मिल रहा है, मैप्स मिल रहा है, प्ले स्टोर है, जीमेल आईडी लिंक का, रेडी टू यूज है, इसके अंदर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। स्पीकर्स की बात कर ले भाई, स्पीकर्स चारों स्पीकर हमने JBL का लगाया है, साउंड की आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। चलो भाई साउंड सुनाया जाए, बताना भाई कमेंट में कैसी कुछ मिल रही है। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. आवाज क्या है, अच्छी खासी मिल रही है इसमें आवाज, है ना? बिल्कुल भैया, साउंड बढ़िया आ रहा है, मिला जुला के अच्छा आ रहा है। JBL के चारों स्पीकर हमने आगे पीछे चारों डाला है, साउंड A1 आ रहा है, आउटपुट भी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। बाकी टच रिस्पांस आप चेक कर सकते हैं, टच दे लो भाई, कितना स्मूथ मिल रहा है आपको देखने के लिए इसके अंदर भाई। मतलब कितना कुछ खर्चा है गाड़ी के अंदर? मोटा मोटा भैया लेके चलो ना 50,000 रुपए के आसपास सारा गाड़ी में खर्चा है, ठीक है। मतलब 50,000 के अंदर आप ये अपना सेम काम करवा सकते हो। और आना कहाँ पर है भाई?
आना है भी दिल्ली करोलबाग अब्दुल अजीज रोड A4 कार एसेसरी फर्स्ट स्टॉप, सारा जेन्युइन काम होगा आपका। और अपना मेरा नंबर आने वाला भी 9911-56710 मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारा चीज का डिटेल ले सकते हैं, जब दिल करे आपका आपका खुद का शॉप है, आगे काम कराइए, कोई ठीक है भाई। बाकी कर रहा है स्क्रीन में नंबर फ्लैश अतुल भाई का, आप डिटेल सही ले सकते हो। अच्छा खासा प्रीमियम क्वालिटी वर्क करना तो A4 आपको बेस्ट स्टोर आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो भाई साथ में अपने प्राउड हूं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है। कहाँ से आए थे सर? मैं आया था नून से। ठीक है, कैसा लगा सारा काम जो अतुल भाई करके दिया? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा, जेन्युइन पार्ट्स थे? बिल्कुल एकदम सही, मतलब जो पावर विंडो की वर्किंग है बिल्कुल जेन्युइन मिल रही है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, 10 में से रेटिंग देनी हो अतुल भाई को कुछ? 10 में से 10। डिजायर वाला भाई सोच रहा हूँ यहाँ पर आने रिकमेंड रहेगा। हाँ चलो ठीक है सर, ऐसा करो, थैंक यू।